हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हिंदी बंगला वर्ल्ड चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना फॉर्म ऑनलाइन अपने मोबाइल से आसानी से इजी तरीके से कैसे फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले करता हूँ एक रिक्वेस्ट, आप हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बाजू का जो बेल आइकन हो उसको प्रेस करके रखिए। तो फ्रेंड्स, आपको आप पहले और ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म वो आपको ऑफलाइन फिल करना पड़ता था, वह आपका सिग्नेचर, एक बैंक अकाउंट का जेरोक्स और अपना वोटर आईडी कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ में मतलब अटैच करके आपको सबमिट करना पड़ता था। लेकिन फ़िलहाल क्या हुआ, फ़िलहाल आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल से इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, कैसे आपको रजिस्टर करना है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मोबाइल का इंटरनेट ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च बार में टाइप कर लेना है पीएम किसान। सिर्फ पीएम किसान टाइप करने के बाद सबसे पहले जो लिंक आएगा आपके सामने www.pmkisan.gov.in, इसी वेबसाइट में आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने जो पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ आप देख पाओगे होम, अबाउट द स्कीम, रिपोर्ट, गाइडलाइंस, पीएम लेटर, सर्कुलर, फेक फार्मर कॉर्नर, कॉन्टेक्ट अस, लॉगिन, डैशबोर्ड, सीएससी लॉगिन। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको फार्मर कॉर्नर बटन पर क्लिक कर लेना है और न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर लेना है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कीजिए। आधार कार्ड नंबर में टाइप करके आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ और साथ में जो कैप्चा है वही कैप्चा टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ कैसे आपको फिल करना है। आपका आधार कार्ड नंबर और कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट करने के बाद रिकॉर्ड नोट फाउंड द गिवन डिटेल्स, डू यू वांट टू रजिस्टर ऑन पीएम किसान। इसी तरह आपको इंटरव्यू से आपको वहाँ यस करना है। यस करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फार्मर पर्सनल डिटेल्स मॉनेटरी, ऐसा करके एक फॉर्म आएगा जो आपका आसाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट हो, तो मेरे लिए आसाम ही है। इसके बाद जो भी एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है, सब डिस्ट्रिक्ट वही जो आपका ब्लॉक का तहसील का एरिया रहता है, और उसमें आपका बैलेंस सिलेक्ट कीजिए। फार्मर नेम टाइप कीजिए, जेंडर सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी में क्या हो आप, SC ST जनरल अदर्स कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। फार्मर टाइप स्मॉल अदर्स, तो मेरे लिए अदर्स है, मैं अदर्स से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार कार्ड आपको पहले बनाना पड़ेगा, अगर आपने आधार कार्ड बना लिया है तो ठीक है, वरना उससे पहले आप आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जो डाटा आपने फिल किया है वो डाटा आपका आधार कार्ड से मैच होगा तो आपको दिखाएगा ये डाटा सही है। उसके बाद ओनर लैंड रिकॉर्ड, ये आपको आप देख सकते हो, लैंड होल्डिंग ओनरशिप, सिंगल जॉइंट, सिंगल का मतलब आप अपना खुद का जमीन है, अगर जॉइंट का मतलब किसी दूसरे का जमीन आप किराया में रखा हो, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब डालने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके बाद आपका कन्फर्मेशन एक पेज आएगा, वो पेज आपको प्रिंट करके रखना है, ठीक है। आई केयरफुली दैट द गिवन डिटेल, इसी बॉक्स पर क्लिक करना है आपको।
ये सब डिक्लेरेशन का एक फॉर्म है जिसमें आपको डिक्लेरेशन करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आपको पैसा कैसे मिलते हैं इसके बारे में अगले वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैसे आपको फिल करता है वही इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।